कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड के रामपुर में 17 वर्षीय अंकित के साथ घटित हुआ। अंकित पर टाइगर ने अटैक कर दिया। अंकित ने भी बहादुरी से जवाब देते हुए टाइगर का मुकाबला किया और अपने जीवन को उसका निवाला नहीं बनने दिया। अंकित के हौसलों के आगे टाइगर पस्त हो गया और वापस जंगल में भाग गया। घायल अंकित को लोगों ने अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया। यहां से अस्थायी इलाज देने के बाद उसे दिल्ली एम्स भेजा गया, लेकिन परिचित उसे गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसका 4 महीने तक इलाज चला और आज अंकित पूरी तरह से स्वस्थ है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? जी, टाइगर का अटैक हुआ था। जी, हम आ रहे थे, 2 जने स्कूल से आ रहे थे। जी, हुआ था तो उसने पीछे से पकड़ा, तो फिर हमने हाथ से जीप पकड़ी। जब हमारा बचाव हुआ फिर हम आए। जी, वहाँ से आए तो फिर पापा आए, फिर हमें पास के हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से रेफर उधर करा। फिर हमारे सुखिंदर भाई साहब ने, उन्होंने बताया यहाँ आ जाओ, नेपालों से बिना हमने कर रखी है बात। जी, फिर यहाँ आए। जी सर, सर की धन्यवाद जो सर ने हमारा केस लिया। जो जिस टाइम अटैक किया टाइगर ने, उस टाइम आप अकेले थे या कुछ और लोग भी आपके साथ थे? जी, 1-2 थे। 2 कौन थे, बड़े थे या बच्चे? जी, बड़े थे हमसे। वो लोग आगे मदद के लिए नहीं आया? जी नहीं, वो भाग गया था। सब एक बच्चे का ऑपरेशन किया गया है, टाइगर बाइट का केस था, क्या प्रॉब्लम था? ये बच्चा उत्तराखंड में अपने स्कूल से आ रहा था, तो आ रहे के टाइम पर रास्ते में जब ये फ्रेंड्स के साथ था, तो एक टाइगर पेड़ में बैठा था, उसने जंप करके इस बच्चे को गर्दन से तलाश लिया और उसके बाद उसने इसको ऑब्वियसली मारने की कोशिश की। बच्चे ने अच्छे से स्ट्रगल करते हुए प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई और उसकी जीप को उसने देखा और बच्चे ने जीप खींच ली, अपना हाथ डाल दिया, इसी कारण उसका अंगूठा कट गया और शेर भाग गया। उसके इसका इनिशियल इलाज वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में और ऋषिकेश में हुआ, जैसे बताया उन्होंने। और उसके बाद जो इसके रिलेटिव है, उसका वीडियो जो उसमें चोट लगी थी, उसका फोटोज जो इसकी चोट को लेके हमारे पास यहाँ पे गुड़गांव में है कि क्या इसका इलाज यहाँ संभव है। उन्होंने कहा हम लेके आइए और कोशिश करेंगे। ये बच्चे को लेके आए यहाँ पे 5 तारीख को, हमारे पास लेके आए तो काफ़ी बुरी हालत में था। मैंने फिर हमारे एनेस्थीसिया की टीम, डॉक्टर योगिता है, उनसे डिस्कस किया इस बच्चे के बारे में। हमने नेक्स्ट डे की सर्जरी प्लान की इसको, तो अगले दिन उसको पहली सर्जरी की, इसमें जो पार्ट्स कट थे, अंगूठा जो ऑलमोस्ट ये था खत्म होने वाला है, उसको रिपेयर करना माइक्रोवास्कुलर टेक्निक से और कान का और इसके स्कैल्प का, वो सब ऑपरेशन किया। उसके बाद हमने इसको 2-3 दिन का डिस्चार्ज किया, सेप्सिस जो पार्ट था वो कंट्रोल हो गया था। अब हमने प्लान किया था नेक्स्ट सर्जरी हम उसके कुछ समय के बाद करेंगे। फिर हमने इसको कुछ समय के बाद पैर से स्किन लेके और जो पार्ट हमारा एक्सपोज था उसको हमने कवर किया और बाद में ड्रेसिंग करते और आज हमारे सामने। लगभग कितने ऑपरेशन किए गए इसके अगर हम कुल बताएं तो 4, 2 हमारे इम्यूनिटी में पूरा व्यवस्थित किया गया था और 2 हमने उसके अलावा किए थे जो हमने माइनोरिटी में किए थे। जो पहला ऑपरेशन किया गया था उस टाइम पे इसकी क्या कंडीशन? उस समय इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और जो डेड टिश्यू और पत्ते और वो सब इन्फेक्टिव उसमें बड़ा हुआ था, काउंट्स काफ़ी बढ़े हुए थे इसके, सीरियस, वॉज वेरी सीरियस। अभी और भी ऑपरेशन किए जाने वाले? जो फंक्शनल वाले ऑपरेशंस हैं या कवर करने वाले हैं वो हमारे ऑप्शन हो गए, बाकी हमें एक अंगूठे की मूवमेंट के लिए और अगर ये चाहेगा तो इसके बालों के लिए वो हमें करने हैं, वो इलेक्टिव है, हम आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि किसी भी जो एनिमल है उसके बाइट करने के बाद रेबीज का खतरा रहता है, उसके लिए कैसे कंट्रोल किया गया? वो रेबीज का जो वैक्सीन है, मैं इसको इम्यूनोग्लोबुलिन आते ही जिस दिन आया था उसी दिन दे दिया था और जो वैक्सीनेशन है इसकी पूरी, उसके बाद पूरा शेड्यूल चला इसका, उस चीज को हमने दिमाग में रखा था। क्या इस अटैक के बाद अब ये सामान्य रूप से जीवन जी पाएगा, कोई दिक्कत भी आ सकती है? नहीं, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो सब थोड़े जंगल में जाने से डरेगा, मुझे लगता नहीं इससे डरेगा। एज एन एनेस्थेटिस्ट में बात करना चाहूँगी। एनेस्थेटिस्ट का रोल आपको पता है कि सर्जरी से पहले उसको बेहोश करना होता है, तो जिस तरह की इंजरीज थी उनकी एग्जैक्टली फेस और सिर पे थी, मतलब उनको लिटा पाना भी मुश्किल था। जहाँ पर भी मैं हाथ लगा रही थी ऐसे लग रहा जैसे स्किन निकल आ रही है, सारी पस पड़ी थी और जैसे स्लफिंग जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, तो हर जगह से वो स्लफ हो रहा था, कान लटक रहा था, तो इस तरीके से और फेस पे भी इंजरीज थी। तो इन हालात में उनको बेहोश करना सेफली
और जैसे हम इंट्यूबेट बोलते हैं, जैसे कि ट्यूब डालना वेंटिलेट करने ड्यूरिंग सर्जरी बेहोशी में, तो वो एक पार्ट चैलेंजिंग था, पोजिशनिंग से लेके ही बहुत चैलेंजिंग था। और जब आए हैं तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला था कि पत्ते और डंडियाँ जो अंदर पड़ी रही सिर्फ ऊपर से टांके लगा के आए थे, तो पूरी पस होने की वजह से सेप्सिस में जा रहे थे। ये सेप्सिस मतलब आपके ब्लड में भी इन्फेक्शन फैल चुका है, तो इस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर है, ये है सारी चीज़ें मैनेज करना, पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हायर एंटीबायोटिक्स देते हुए कितना फ्लूड देना है करके उनको जो नॉर्मल सी मेंटेन करनी है ड्यूरिंग द सर्जरी, यही एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। तो और उसके बाद में इतनी बड़ी इंजरी है, उसका पेन और ये सारी बात का भी जो प्लान था वो हमने पूरी तरीके से डिस्कस आउट किया था कि ना कि सिर्फ सर्जरी पर सर्जरी के बाद में भी जो जैसे सिंपल सिंपल चीज़ें जो हम सोचते हैं कि सर्जरी के बाद में लिटाना कैसे है, यहाँ पूरी इंजरी है प्रेशर नहीं दे सकते हैं, तो फिर कुछ देर के लिए हमने उसको पेट के बल लिटाया, फिर है ना साइड पे लिटाया। तो ये कहने को छोटी बातें होते पर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी तब। तो सर्जरी के दौरान पोजिशन जो हम नॉर्मल पेशेंट को दे सकते हैं वो नहीं दे पा रहे थे, और पस के वजह से जैसे मैंने पहले बोला आपको कि सारा स्लफ आउट हो रहा था और उनमें भी इन्फेक्शन जा चुका था। तो हैवी डोज ऑफ आई वी एंटीबायोटिक्स दे के और पेन मैनेजमेंट करके मुश्किल से मतलब फर्स्ट सर्जरी में मैं बोलूँगी कि इट वॉज़ अ लाइफ सेविंग सर्जरी। और भी एक दो दिन बाद आते हैं ये, तब तक शायद इतना इन्फेक्शन फैल चुका होता कि हम कुछ भी नहीं कर पाते इसके लिए। तो राइट टाइम पे जो इनकी मसीहा लेके आए इनको, आई थिंक ही वॉज लकी। मेरा उत्तराखंड में वहाँ से मेरे को पता चला था कि ऐसे ऐसे मेरे गांव के बच्चे जो किसी ने टाइगर अटैक किया, तो मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने उसकी वीडियो वगैरह मंगाई थी। वीडियो मंगा के फिर मैं काफ़ी हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे जाके मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट किसी से बात नहीं बन पाई। तो मतलब लास्ट ऑप्शन था मेरे पास मणिपाल में आया डॉक्टर आशीष देवरा जी से मिला, उन्होंने बोला कि आप लेके आइए पेशेंट को, हम आके देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लेके आए, लेके आने के बाद डॉक्टर आशीष जी ने उसका उपयोग किया। ये बच्चा जो है आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं, मेरे कोई रिलेशन नहीं। किस तरह से आपको आया कि इस बच्चे की भी हेल्प करनी चाहिए, इस तरह के किस देखिए सर, एक इंसानियत के नाते पता चला, फिर मैं चलो जैसे हेल्प हो सकती है वैसे हेल्प की जाए, उस तरीके से मेरे को पता चला, फिर मैंने इसका कंसल्ट किया। अब आपका आगे की प्लानिंग क्या है? सर आगे की प्लानिंग मेरी तो यही है, ये बच्चा ठीक रहे बस, और अगर कोई ऐसा कोई भी मामला मेरे पास जरूर आएगा तो मैं जरूर किसी ना किसी को